हेलो नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, सीईटी पीजी 2024 के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों ने अपने मेरिट लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट जो है जारी करना शुरू कर दिए हैं, और इसी क्रम में जो है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सीईटी पीजी के तीसरे राउंड की जो मेरिट लिस्ट है उसको जारी करके बच्चों को पेमेंट लिंक वगैरह जो है भेजना शुरू कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितने मार्क्स तक एडमिशन हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि 14 नंबर पर भी बच्चों को एडमिशन मिल रहा है, और इसी के साथ साथ हम लोग जेएनयू डीयूबीएचयू हैदराबाद पौंडीचेरी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कट ऑफ के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जो है 5 से 6 विश्वविद्यालयों ने अपने पीजी के पहले, दूसरे और तीसरे राउंड का जो मेरिट लिस्ट है वह जारी कर दिया है, जिससे कि हमें एक आइडिया मिल चुका है कि इन टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सीईटी पीजी की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह जो है सीयू हिमाचल का, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट है, और इन्होंने जो है पहले राउंड का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं भाई कितने मार्क्स तक एडमिशन मिल रहा है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 30 तारीख को जो है यह मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, और इसका जो पेमेंट वगैरह करने का लास्ट डेट है यह जो है 2 जून तक है। यानी कि 2 जून तक जो भी बच्चे तीसरे राउंड में सेलेक्ट हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, वो सभी बच्चे 2 जून तक पेमेंट करके अपना एडमिशन वगैरह जो है कन्फर्म करा सकते हैं। आपका कोर्स का फ़ी वगैरह जो है दिया गया है, और साथ ही बाकी सारी जानकारी यहां पर दे दी गई है। ज़रूरत के जो भी दस्तावेज़ हैं जो कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम लेकर जाना है, सबका नाम इधर दे रखा है, और यहीं लगभग यहीं सारे डॉक्यूमेंट जो है ना सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में लगने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, साथ ही डिपार्टमेंट के टीचरों का भी नाम दे दिया गया है, तो पर्सनली आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा कि कितने मार्क्स तक इन्होंने ओपन कैटेगरी में 95 तक, और ओबीसी में इन्होंने कोई सीट नहीं निकाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 65 नंबर तक एडमिशन मिला है, और वेटिंग लिस्ट में जो है यहाँ पर लगभग इतने सारे बच्चे जो है 14 मार्क्स तक के बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। यानी कि एडमिशन जो है कितने नंबर तक मिला है भाई तीसरे राउंड में जनरल कैटेगरी में 88 मार्क्स तक, लेकिन वेटिंग में कितने नंबर तक के बच्चे हैं, तो वेटिंग में 14 नंबर तक के बच्चे हैं जिनके की मार्क्स 14 हैं। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ही कम गई हुई है, तो हम आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं, एक एक करके सबका ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग कि इन्होंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट निकाल दी है, और 44 नंबर तक एडमिशन हो रहा है, 47 नंबर तक एससी कैटेगरी में एडमिशन हो रहा है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है बहुत ही कम जा रही है सभी सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है और आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त लगा लिया है, तो उसको ज़रूर से बनवा लीजिएगा, ठीक है। और बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे कोर्स चलते हैं जिनके कट ऑफ लिस्ट वगैरह इन्होंने जारी कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट में जो है 5 मार्क्स तक के बच्चे जो हैं ठीक है ना, और जनरल कैटेगरी में 71 मार्क्स तक एडमिशन हो रहा है तीसरे राउंड में इस कोर्स में। तो इसी तरह से सभी कोर्स का जो कट ऑफ लिस्ट है इन्होंने जारी कर दिया है। कुछ कुछ कोर्स की सीटें भर चुकी हैं, इसी की वजह से उनका जो कट ऑफ लिस्ट है इन्होंने जारी नहीं किया है। तो इसलिए अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ना दिखे तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, समझिएगा कि आपके सब्जेक्ट की सीटें जो है फुल हो चुकी हैं, ठीक है। तो एससी कैटेगरी में 63 नंबर तक और ओबीसी में 41 मार्क्स तक जो है एडमिशन हो रहा है, और साथ ही वेटिंग लिस्ट का भी इन्होंने जो है यहाँ पर लिस्ट प्रदर्शित करा दिया है। पॉलिटिकल साइंस का अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें तो यहाँ पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ लिस्ट वगैरह जो है दिख जाएगा। तो अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है तो आप सभी लोग पेमेंट ज़रूर से करके किसी एक जगह पे अपना रजिस्ट्रेशन या एडमिशन जो है कन्फर्म करा लीजिए, फिर बाकी जगह का वेट कीजिए। और इसी के साथ साथ अगर हम जेएनयू डीयू बीएचयू एचसीयू और बीबीएयू की बात कर लें तो इनकी भी कट ऑफ डाउन जाने वाली है, तो इसलिए आप सभी लोग इन यूनिवर्सिटी का भी वेट करिएगा, लेकिन आपको पहले एक जगह पे एडमिशन कंफर्म करा लेना होगा, ठीक है ना।
तो यही सारी महत्वपूर्ण जानकारी रही, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।